हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, आज का टॉपिक है यूरोप जॉब्स के बारे में। हमारे बहुत से भाई लोग का कमेंट आता है कि सर यूरोप का रिक्वायरमेंट बताइए, और काफ़ी दिनों बाद अभी मैं ये रिक्वायरमेंट लेकर आया हूं, ठीक है ना। मैं नॉर्थ मैकडोनिया का एक रिक्वायरमेंट मैं बताया था, ठीक है ना। उसके बाद ये अभी फाइनली रिक्वायरमेंट आ चुका है, ठीक है ना। मैं इसीलिए बोलता हूं फ्रेंड कि अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है, बायोडाटा है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, अपना बनाकर रेडी रखिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट कब आ जाएगा हमको भी नहीं पता है। जैसे ये रिक्वायरमेंट के बारे में हमको पता चला, वैसे मैं सोचा कि आप लोग से किया जाए, आप लोग से बताया जाए। तो अभी फाइनली रिक्वायरमेंट आ चुका है। दो मतलब एक फिजी का रिक्वायरमेंट है यूरोप का, ठीक है ना। दो ऑफिस में रिक्वायरमेंट है, बहुत से ट्रेड का रिक्वायरमेंट है। इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट से लेकर बहुत से ट्रेड का इसमें रिक्वायरमेंट आया है, तो मैं सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूं फ्रेंड कि यूरोप बहुत से लोग क्यों जाना चाहते हैं। अभी के डेट में समझ लीजिए कि मैं भी सजेशन करूंगा कि अगर आप गल्फ कंट्री में आना चाहते हैं, अफ्रीका कंट्री में जाना चाहते हैं, या यूरोप कंट्री में जाना चाहते हैं, तो कहाँ बेस्ट रहेगा। तो मेरे हिसाब से यूरोप ही बेस्ट रहेगा। मैं बताता हूँ, क्योंकि यूरोप में क्या है ना कि 5 दिन एक तो आपको ड्यूटी करना है, 2 दिन छुट्टी रहता है, महीने में 22 दिन ड्यूटी करना है, 8 दिन छुट्टी है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि वहाँ का जो सैलरी मिलता है यूरो में मिलता है, और 1 यूरो का आप गूगल पर जाकर सर्च कर लीजिए, अगर हमसे विश्वास नहीं होगा, 1 यूरो का 90 रुपये से ऊपर बनता है। यानी कि अगर 100 यूरो आप सेंड कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि 93,000 रुपया इंडिया का बन रहा है आपका सैलरी, समझ रहे हैं ना। तो बहुत मतलब सैलरी जो है बहुत ज़्यादा वहाँ का बनता है। सॉरी, मैं बोला 100 यूरो का नहीं, 1,000 यूरो का 90,000 से 93,000 रुपया बनेगा, 1 यूरो का 93 रुपया बनेगा, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा सैलरी, अगर मान लीजिए कि हज़ार यूरो भी किसी का सैलरी लग रहा है तो 1,00,000 रुपया लमसम सैलरी लग रहा है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा सैलरी वहाँ का बनता है। तो फ्रेंड मैं सब कुछ बताऊँगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि क्या क्या पोस्ट का रिक्वायरमेंट है, यानी कि कौन कौन से जॉब का रिक्वायरमेंट है, और इसमें जाने के लिए आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, और क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि कितने साल का एक्सपीरियंस कंपलसरी है, ये सबसे ज़्यादा चीज़ बताऊँगा। फाइनली इसके साथ मैं ये भी बताऊँगा कि कौन लोग जा सकते हैं, कौन लोग नहीं जा सकते हैं, एज कितना चाहिए, और 2 ऑफिस में ये रिक्वायरमेंट आया है, इंडिया के टॉप ऑफिस में रिक्वायरमेंट आया है। फ्रेंड आपसे बता दूं कि यूरोप का, गल्फ का, अफ्रीका का हमेशा रिक्वायरमेंट रहता है, लेकिन जब तक इंडिया गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंसी और सर्टिफाइड ऑफिस में रिक्वायरमेंट नहीं आता है, तब तक मैं आप लोग से इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता हूं। तो अभी फाइनली इंडिया गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस और सर्टिफाइड ऑफिस में रिक्वायरमेंट आ चुका है, तो मैं आप लोग से इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो फ्रेंड मैं सब कुछ आप लोग को बताऊंगा, तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा, क्या ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले आप सभी से एक बार और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि अगर आप इस ट्रेड से नहीं है तो दूसरे लोग भी जुड़े, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हेल्प हो जाए। एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोग, और डबल टिप करके एक बार लाइक कर दीजिए, यानी कि लाइक जरूर कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि क्या क्या पोस्ट का रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से ट्रेड का रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहला जो ट्रेड है वो है इलेक्ट्रीशियन। जी हाँ, हमारे बहुत से भाई लोग का कमेंट आता है कि सर यूरोप का इलेक्ट्रीशियन का रिक्वायरमेंट बताइए। तो देखिए भाई, अभी यूरोप का इलेक्ट्रीशियन का रिक्वायरमेंट आ चुका है, ठीक है ना। इसमें लो वोल्टेज केबल वर्क फॉर बोथ पावर केबल इंक्लूडिंग लो वोल्टेज एसी एंड मिड वोल्टेज एसी वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, ठीक है ना, इसका भी सेम एक्सपीरियंस मांगा है, यानी कि इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, ये दोनों ट्रेड का रिक्वायरमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है फ्रेंड वो है मशीन ऑपरेटर। जी हाँ, मशीन ऑपरेटर चाहिए। मशीन ऑपरेटर में क्या क्या है, तो इसका वेटर, और इसके बाद से ट्रेजर चाहिए, लीडर्स चाहिए, बुलडोजर चाहिए ऑपरेटर, इसके बाद से क्रेन ऑपरेटर चाहिए, ट्रक्स ऑपरेटर चाहिए, ठीक है ना। एक्सपीरियंस इन सोलर प्लांट कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ठीक है ना, इसका एक्सपीरियंस चाहिए। इसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है मैकेनिकल टेक्नीशियन। जी हाँ, मैकेनिकल टेक्नीशियन का भी रिक्वायरमेंट है। पीवी सपोर्ट, एक्सपीरियंस में पीवी सपोर्ट स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन एंड पीवी पैनल इंस्टॉलेशन का आपको एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है मशीन ऑपरेटर फॉर फील्ड ड्राइवर। जी हाँ, मशीन ऑपरेटर फॉर फील्ड ड्राइवर का रिक्वायरमेंट आ चुका है। अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ फ्रेंड, इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन, जी हाँ इलेक्ट्रीशियन चाहिए, और इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन का रिक्वायरमेंट है। मशीन ऑपरेटर चाहिए, एक्सकावेटर, बुलडोजर, क्रेन ऑपरेटर, ठीक है ना, और मैकेनिकल टेक्नीशियन का रिक्वायरमेंट है, और मशीन ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है, पील ड्राइवर का। जी हाँ, ये सब ट्रेड का रिक्वायरमेंट है। जो ऑफिस में रिक्वायरमेंट आया है फ्रेंड वो ऑफिस है डायनेमिक स्टाफिस सर्विस। जी हाँ, इंडिया की टॉप ऑफिस में रिक्वायरमेंट है। ये ऑफिस मुंबई में भी है और दिल्ली में भी है। तो ये जो ऑफिस मैं बता रहा हूँ ये हेड ऑफिस है मुंबई में। जी हाँ, इसी में रिक्वायरमेंट आया है डायनेमिक स्टाफिंग सर्विस में। तो इसका एड्रेस नोट कर लीजिए। इसका एड्रेस है फ्रेंड डायनेमिक स्टाफिंग सर्विस का,
3C3 गुंडेचा ओक्लेव खेरानी रोड साकी नाका अंधेरी ईस्ट मुंबई महाराष्ट्र। जी हाँ, 3C3 गुंडेचा ओक्लेव खेरानी रोड साकी नाका अंधेरी ईस्ट मुंबई महाराष्ट्र। या ऑफिस का एड्रेस है और लैंडलाइन नंबर नोट कर लीजिए। लैंडलाइन नंबर है फ्रेंड 0222876 1704। ठीक है, 0222876 1704। हमारे बहुत से भाई लोग का कमेंट हमेशा आता है कि सर यूरोप का रिक्वायरमेंट बताइए, तो देखिए अभी यूरोप का रिक्वायरमेंट आ गया है। और जब भी आप इस पे कॉल कीजिएगा सुबह 10 AM to 6 PM बिटवीन कॉल कीजिएगा, यानी कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में कॉल कीजिएगा। मंडे टू सैटरडे यानी कि सोमवार से लेकर शनिवार के बीच में ही कॉल कीजिएगा, संडे को ऑफ रहता है। ठीक है, अब फ्रेंड आप इसका ईमेल आईडी भी बता दे रहा हूँ, आप चाहेंगे तो ईमेल आईडी पे अपना शॉर्टलिस्टिंग करा सकते हैं, जो भी पासपोर्ट बायोडाटा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो ईमेल आईडी है फ्रेंड rohit.g@dss.hr.com, ये ईमेल आईडी है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट बताने वाला हूँ वो भी यूरोप का है। फिजी कंट्री एक पड़ता है यूरोप में, ठीक है ना, फिजी कंट्री एक द्वीप पड़ता है, मतलब देश पड़ता है, उसी का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा क्या क्या पोस्ट का रिक्वायरमेंट है, कौन सी ऑफिस में है, ये भी इंडिया की बेस्ट ऑफिस में रिक्वायरमेंट है, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैं बता दूं फ्रेंड कि जो कंपनी है इसमें शो कर दिया है MNC कंपनी, जो भी हमारे भाई लोग गल्फ कंट्री, यूरोप कंट्री, अफ्रीका कंट्री में काम कर चुके हैं उनको जानकारी होगा कि MNC कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। इसका फ्री फूड है, फ्री अकोमोडेशन है, फ्री ट्रांसपोर्टेशन है, यानी कि रहना खाना पीना कंपनी सब कुछ प्रोवाइड करती है। और फिजी का रिक्वायरमेंट है, तो ध्यान से सुनिए क्या क्या पोस्ट का रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले चाहिए हैवी ट्रक मैकेनिक, जी हाँ हैवी ट्रक मैकेनिक चाहिए। इसके बाद फ्रेंड हाइड्रोलिक मशीन टेक्नीशियन चाहिए, इसके बाद पेंटर चाहिए, इसके बाद मिग बिल्डर चाहिए और सीट मेटल फैब्रिकेटर चाहिए। इसके बाद फ्रेंड सेंड ब्लास्टर का भी रिक्वायरमेंट है, मेंटेनेंस प्लानर का भी रिक्वायरमेंट है और स्टोर मैन का भी रिक्वायरमेंट है, यानी स्टोर कीपर का रिक्वायरमेंट है और ड्रिलर का रिक्वायरमेंट है। इसके बाद क्रशर टेक्नीशियन का भी रिक्वायरमेंट है। इसके बाद क्रशर ऑपरेटर चाहिए, ग्रेडर ऑपरेटर चाहिए, इसकावेटर ऑपरेटर चाहिए, साइट एडमिन चाहिए, सीनियर अकाउंटेंट चाहिए, सिक्योरिटी असिस्टेंट चाहिए और सिविल इंजीनियर चाहिए। ऑटो इलेक्ट्रीशियन का भी रिक्वायरमेंट है, चीफ कुक का भी रिक्वायरमेंट है, खाने बनाने वाला कुक का भी रिक्वायरमेंट है, मशीनरी ट्रक और स्पेयर पार्ट इंस्पेक्टर का भी रिक्वायरमेंट है, टायर टेक्नीशियन का रिक्वायरमेंट है, सेल्समैन का रिक्वायरमेंट है, वर्कशॉप टेक्नीशियन का रिक्वायरमेंट है, मैकेनिकल मैनेजर का भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और क्वांटिटी ऑपरेशन मैनेजर का भी रिक्वायरमेंट है, सॉरी क्वेरी ऑपरेशन मैनेजर का भी रिक्वायरमेंट है। ये जो भी रिक्वायरमेंट बताया फ्रेंड, जो जॉब मैं बताया जो ट्रेड का, वो सब फीजी के लिए है। MNC कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है और कंपनी का फ्री फूड है, फ्री अकोमोडेशन, फ्री ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ प्रोवाइड भाई कंपनी, मैंने सब कुछ कंपनी प्रोवाइड करती है। ठीक है ना, तो अब हम बताएंगे किस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। तो फ्रेंड जो ऑफिस है वो है RK इंटरनेशनल, जी हाँ RK इंटरनेशनल इंडिया के बेस्ट ऑफिस है, जो कि ऑफिस दिल्ली में है, इसी ऑफिस में ये रिक्वायरमेंट आया है, ज़्यादातर इसी में रिक्वायरमेंट आता है फ्रेंड। ठीक है ना, तो RK इंटरनेशनल दिल्ली ऑफिस का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर मैं बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड RK इंटरनेशनल दिल्ली ऑफिस का एड्रेस है Tower No. 1, 6th floor, नियर मेट्रो स्टेशन राजेंद्र प्लेस, न्यू दिल्ली। जी हाँ, Tower No. 1, 6th floor, नियर मेट्रो रेलवे स्टेशन राजेंद्र प्लेस, न्यू दिल्ली, ये ऑफिस का एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर मैं बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए लैंडलाइन नंबर। तो फ्रेंड लैंडलाइन नंबर है 0111-4533-5533, हिंदी में बता दे रहा हूँ 0111-4533-5533। ठीक है, ये लैंडलाइन नंबर है, आप इस पर आप कॉल करके इंक्वायरी लिख सकते हैं। और मॉर्निंग 9:30 AM to evening 6:30 PM के बीच में आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, यानी कि सुबह में 9:30 बजे ऑफिस खुलता है, शाम को 6:30 बजे बंद हो जाता है। जब भी कॉल कीजिएगा मंडे टू सैटरडे यानी कि सोमवार से शनिवार के बीच में कॉल कीजिएगा, संडे को कॉल मत कीजिएगा क्योंकि संडे को ऑफिस का छुट्टी रहता है, ऑफिस बंद रहता है इंडिया में। ठीक है, तो फ्रेंड MNC कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, इसी का रिक्वायरमेंट है यूरोप के लिए, फिजी के लिए, और एक इसके पहले यूरोप का रिक्वायरमेंट और डायनेमिक ऑफिस में का मैंने बताया। तो दो रिक्वायरमेंट है, जो भी भाई लोग यूरोप कंट्री जाना चाहते हैं, बहुत से भाई लोग कमेंट करते हैं, तो फटाफट ये दो ऑफिस में जो भी ट्रेड है उस ट्रेड से अगर आप हैं तो फटाफट ऑफिस पे जाइए, अपना शॉर्ट लिस्टिंग कराइए। शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है, जिसका शॉर्ट लिस्टिंग होगा उसी का फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू होगा। ठीक है ना, जिसका शॉर्ट लिस्टिंग होगा उसी का फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू होगा। तो जो भी भाई लोग शॉर्ट लिस्टिंग कराना चाहते हैं, अपना ओरिजिनल पासपोर्ट, ओरिजिनल बायोडाटा, ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर साथ में फटाफट ऑफिस पे जाइए, अपना शॉर्ट लिस्टिंग कराइए और फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू दीजिए और सिलेक्शन कराइए और यूरोप जाइए। ओके फ्रेंड, वीडियो लंबा हो रहा था, वीडियो का एंड यहीं पे कर रहा हूं। तो आई होप कि हमारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, गुड।